सायली के नखरे सचिन का प्यार, आखिर सचिन कैसे मनाएगा सायली को। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल उड़ने की आशा में अब ऐसा लग रहा है कि सचिन और सायली धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। यहां पर देखा जा रहा है कि सायली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है सचिन से, क्योंकि सायली के बर्थडे पर सचिन उसे विश करना भूल जाता है। जब उसे पता चलता है तो उसे विश करता है, तभी सचिन की माँ आती है और कहती इस मनहूस का बर्थडे है। और सचिन अपनी माँ की बोलती बंद करने के लिए तेजस और रोशनी को बुलाता है और सायली के सर से पैसे उबार कर अपनी माँ और भैया भाभी को दे देता है, जिसके बाद सभी की बोलती बंद हो जाती है। सदा गणपति बप्पा तेरे जन्मदिन पर मुझे इतनी खुशियां दी कि तू ऐसे ही साल भर हंसती रहे। हैप्पी बर्थडे बहनी, आपके लिए स्पेशल एकदम गरमा गरम चाय और शेफ आकाश। हाँ धीरे ऐसा क्या बोला साइली को तू जो तू कह रहे थे? तू साइली को ऐसा क्या बोला जो वो तुझे गुस्से से देखकर चल गए? कुछ नहीं बोला मैं। तुझको बताया क्यों नहीं किया उसका बर्थडे? तो रात को बताता ना मेरे को। अच्छा, वो बाइक वो तेरी बर्थडे तेरे बाइक को काट और मैं तुझे बताऊं क्यों? खुद याद नहीं रख सकता? अरे दिक्कत ही तो यही है कि मेरे को मालूम नहीं था उसका बर्थडे, तभी तो विश नहीं किया मैं, तभी तो ऐसे आंखें दिखा दी गई। शुक्र मना, सिर्फ आंखें दिखाई है, खून नहीं किया तेरा। अरे किया रहता तो ऐसे आंखें चढ़ा के थोड़ी गई रहती, देखने किसे गुनगुन के गई ऐसे। शुक्र मना, सिर्फ आंखें दिखा के गई, खून नहीं किया तेरा। तूने मेनी को विश नहीं किया? अरे अगर मैं विश कर रहा होता तो ऐसे आंखें दिखा के नहीं गई रहती ना मेरे को, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें दिखा के गई, देखा तू? शुक्र मना, सिर्फ आंखें दिखाई है, खून नहीं किया तेरा। बात कर रहा बोल रहा है तू मेनी का बर्थडे मिस कैसे कर सकता है? स्वीस का बात नहीं रही, अभी कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है कि आते जाते इतना मस्त भाई कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है हैप्पी बर्थडे सायली करके कि मेरे को याद आएगा। मेरा भी शादी का पहला साल है, भूल गया मैं। एक सब छोड़, पहले मेरे को एक बात बता, तूने बहनी के लिए क्या प्लान किया? कुछ तो स्पेशल करेगा ना उसके लिए, क्या सेलिब्रेशन? ये सब कुछ मैं सोचा तो नहीं है, पर सेलिब्रेशन क्या करने गए, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। अभी जैसे बचपन में हम लोग वो बस पाई की पेपर प्लेट रखते थे, समोसा वड़ा पाव वेफर वीफर, और वो भंगार की आवाज में बच्चे लोग काटते थे हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या चल रहा है इधर? अरे मैं बता देना तेरे को, एक मिनट रुक इधर ही, मैं आ रही। तेरे लाडले को भी बुलाते हैं, रुक। ए खजोर खजोर रे बाहर आ रे, तेरी आई बुला रही है। गुड मॉर्निंग काका, गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग। अरे सिर्फ कूड़ वीड नहीं, आज का दिन एकदम अंगारे, एक नंबर। आई सीधी खड़ी ये ले बाबा की भाई गुरु। अरे ले ना रे, तू भी क्या याद रखेगी, ये ले गजूर तेरा, गजूर ही। अच्छा, अच्छा। क्या है ना, तुम लोग बहुत पैसा पैसा करते, तो तुम लोग आज पैसा दे दिया मैंने खुश रहने का। साईली मैं क्या बोल रहा है, तेरा बर्थडे, पप्पा से जब प्रार्थना करेगी ना तो पप्पा से प्रार्थना कर कि ये लोग बाबा के पैसे से दूर रहे और घर में वापस चोरी नहीं होना होते, और अगर घर के कागज गिरवी भी रख दिए ना तो घर के कागज गिरवी रख के पार्लर बिल्डर ना खोल के दे किसी को बस। ओ हेलो, हेलो, हाँ। अच्छा तू हेलो बोल रही है, तेरा नेटवर्क क्या बोल? तुम्हें तुम्हारी दीदी का बर्थडे मनाना है तो मनाओ ना, उसके लिए हमें बेमतलब इंसल्ट क्यों कर रहे हो?
रोशनी बेटा कीमती मुंह क्यों लग रही है? बड़े हैं बर्थडे मनाने वाले, जिस दिन कोई पेनल्टी पैदा होता है उसका कोई सेलिब्रेशन करता है क्या? आपको आपके पनौती कहने से मैं पनौती नहीं हो जाऊंगी। और तेरे ये बोलने से ना तेरी पनौती नहीं मिट जाएगी, तू और तेरा पति दोनों ना बुरी किस्मत के साथ पैदा हुए अपने माथे पे लिखवा के, इसलिए ना तुम दोनों का बर्थडे ना इस घर में कभी नहीं मनाया जाएगा और ना कभी मनाने का सोचना। अरे बाबा की भाई को कुछ भी बोलती रहेगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता है तेरी बकवास से। देखो 100 रुपया दिया है ना, मैं सेलो टेप खरीद सेलो टेप और तेरे मुंह पे चिपका दे ताकि तू बकवास ना करे। अरे लोग से क्या फर्क पड़ता है सही यार, तेरा हैप्पी बर्थडे। तू बाबा मैं आकाश अपन जाके तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और क्या तेरे मामा की शादी को जा रहा है जो हमारे साथ साई जी को लेकर जा रहा है? उसका अकेले का जन्मदिन है ना, तो अकेले को लेकर जाओ उसके। जाओ भाई तुम दोनों तैयार हो जाओ और जब मन चाहे वापस आना। तो अभी भी सचिन से नाराज है लेकिन उसे एक मौका तो दे उसकी गलती सुधारने। अरे हाँ एक नंबर, मैं काम खत्म होते ही तेरा मैं मंदिर आ जाएगा तेरा बैठ करेगा, टेंशन नहीं। तेरा एक नंबर बर्थडे मनाएंगे अपन, फुल टू प्लानिंग करता है। जाना तैयार हो ना, जा जाना दादा जा रहे हैं ना। मैं आज पैसा कमाया लोग दिखा रहे लोग अच्छे। मतलब ऐसा लग रहा है कि सचिन और सायली के बीच रोमांस जल्द ही ऑडियंस को देखने को मिलेगा। ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।